हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन के बारे में, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि है व्हाट्सअप, जिसको आप डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आप सभी लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, जो व्हाट्सअप है वो व्हाट्सअप ने लॉन्च कर दिया अपने दो नए कमाल के फीचर ग्लोबली। तो आज के आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट्सअप ने क्या दो कमाल के नए अपडेट लॉन्च करे हैं अपने ऐप के लिए और आप लोगों के लिए। तो बस बने रहे आज की हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सअप के नए अपडेट की। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने फाइनली अपने दो नए अपडेट लॉन्च कर दिए है ग्लोबली। अभी इंडिया में तो लॉन्च नहीं हुए, लेकिन ग्लोबली लॉन्च हो चुके हैं व्हाट्सएप के दो नए बड़े अपडेट। जो पहला अपडेट है वो तो है व्हाट्सएप की तरफ से व्हाट्सएप एनिमेटेड स्टिकर का। हाँ जी दोस्तों, जो व्हाट्सएप है उसने अपने एनिमेटेड स्टिकर को लॉन्च कर दिया है ग्लोबली, और बहुत ही जल्द इंडिया में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये जो व्हाट्सएप पर हम स्टिकर्स वगैरह भेजते हैं ना डेली, व्हाट्सएप पे कम से कम करोड़ों के नंबर्स में स्टिकर भेजे जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, जो व्हाट्सएप पे डेली हम चैट वगैरह करते हैं, उसके साथ स्टिकर्स इमोजीज वगैरह लगाते हैं, तो करोड़ों की नंबर में ये स्टिकर्स इमोजीज वगैरह डेली भेजे जाते हैं। और ये जो व्हाट्सएप का एनिमेटेड स्टिकर टूल है ना, ये जो एनिमेटेड स्टिकर वाला टूल है, ये आजकल के टाइम में काफ़ी फास्ट और काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाला टूल है। इसको देखते हुए व्हाट्सएप ने अपने ऐप के अंदर, जो कि अब फेसबुक का हो चुका है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप ने अपने ऐप के अंदर लॉन्च करा है अपना ग्लोबली ये व्हाट्सएप एनिमेटेड स्टिकर का फीचर, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल और काफ़ी ज़्यादा फेमस और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। और जो दूसरा फीचर व्हाट्सएप ने लॉन्च करा है वो करा है व्हाट्सएप QR कोड का, जिसकी मैंने पहले भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, और काफ़ी टाइम से इसकी कुछ न्यूज़ वगैरह निकल कर आ रही थी कि जो व्हाट्सएप है ना, उसका QR कोड फीचर लॉन्च हुआ है, उसमें आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं इस QR कोड फीचर को, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस QR कोड फीचर में क्या होगा कि जैसे कि आप किसी से मिलते हो, यानी कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई फ्रेंड वगैरह मिल जाते हैं और आप उससे उसका नंबर मांगे अपने मोबाइल में सेव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपना मोबाइल खोलना होगा। आप उसका व्हाट्सअप नंबर लेना चाहते हैं फ्रेंड का, तो अपने मोबाइल का की पैड खोलो, उसके ऊपर नंबर डायल करो, फिर उसके नंबर का जो भी उस बंदे का नाम है उसका नाम सेव करो, फिर व्हाट्सअप पर जाओगे तब आपको इतने लंबे प्रोसेस के बाद ये कुछ उसका नंबर देखने को मिलेगा बंदे का। लेकिन व्हाट्सएप ने इन सारे झंझट से निपटने का एक सोल्यूशन ढूंढ लिया, जो कि है व्हाट्सएप QR कोड फीचर। हाँ जी दोस्तों, कैसे वर्क करेगा? अगर आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो, जैसे हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो आपने फ्रेंड का कुछ भी नहीं करना, उसका QR कोड स्कैन करना है। व्हाट्सएप का एक QR कोड आएगा नया इस कॉन्टैक्ट्स का, वो स्कैन करना है अपने मोबाइल से। स्कैन करते ही वो जो उसका कॉन्टैक्ट होगा, जो जिस नंबर पर व्हाट्सएप यूज़ कर रहा होगा, वो नंबर ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। उसका व्हाट्सएप नंबर आपको कीपैड खोल के नंबर सेव करके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बहुत ही चुटकियां बजाते काम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है व्हाट्सएप का सेकंड फीचर, व्हाट्सएप QR कोड फीचर। और व्हाट्सएप का जो मेन फीचर है इस टाइम पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाला है, वो होने वाला है व्हाट्सएप का एनिमेटेड स्टिकर फीचर, जो कि काफ़ी जल्द इंडिया में भी देखने को मिलेगा। ग्लोबली तो लॉन्च हो गया, उम्मीद है कि व्हाट्सएप बहुत ही जल्द इंडिया में भी इसको रोल आउट कर देगा इन दोनों फीचर्स को। वैसे तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाले हैं, QR कोड वाला भी और ये वाला भी एनिमेटेड स्टिकर वाला, लेकिन जो एनिमेटेड स्टिकर वाला है वो ज़्यादा फेमस होने वाला है, क्योंकि जो स्टिकर्स वगैरह उसका यूज़ लोग ज़्यादातर बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने आपको बताया, रोज़ करोड़ों के नंबर्स में स्टिकर्स और इमोजीज वगैरह मैसेजिंग में भेजे जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है डेली करोड़ों ही उसमें। तो काफ़ी ज़्यादा लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं इस हिसाब से, तो लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगी। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने इस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्म करना था व्हाट्सएप के दो नए अपडेट के बारे में, जो कि ग्लोबली लॉन्च हो चुके हैं। तो बस आज की वीडियो में इतनी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके वीडियो को शेयर कर देना, और थोड़ा सा वेट कर लो इस व्हाट्सएप के नए अपडेट्स का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।